नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइन भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। खबर यूपी के आजमगढ़ से है, जहां नव स्थापित विश्वविद्यालय का पहला दीक्षांत समारोह 2022-23 एवं 2023-24 सत्र के छात्र के लिए आयोजित किया जा रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति ने बताया कि समारोह में 84 विद्यार्थियों को विभिन्न पाठ्यक्रमों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया जाएगा। विश्वविद्यालय की स्थापना 2021-22 में हुई थी और 21 मार्च 2022 से निर्माण कार्य शुरू हुआ था। मात्र 1 साल 10 महीने में विश्वविद्यालय का भवन बनकर तैयार हो गया। कुलपति ने बताया कि इस दौरान विश्वविद्यालय ने 450 महाविद्यालयों के प्रवेश प्रक्रिया संबंधी प्रक्रिया और अन्य कार्यों को भी सुचारू रूप से संचालित किया। कुलपति ने बताया कि दीक्षांत समारोह में 2022-23 और 2023-24 सत्र के छात्रों को डिग्रियां प्रदान की जाएगी। साथ ही विभिन्न पाठ्यक्रमों में टॉप करने वाले छात्रों को कुलपति पदक और संकाय में टॉप करने वाले छात्रों को कुलाधिपति पदक प्रदान किया जाएगा। कुल 83 पदक प्रदान किए जाएंगे, जिसमें से 18 छात्रों को दो दो पदक मिलेंगे। कुलपति ने कहा कि यह दीक्षांत समारोह छात्रों को प्रेरणा प्रदान करेगा और संबद्ध महाविद्यालयों के शिक्षकों में भी उत्साह का संचार करेगा। उन्होंने बताया कि कुलाधिपति पदक विश्वविद्यालय में अनुशासन, शैक्षिक उन्नयन और रैंकिंग सुधार के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुलपति ने कहा कि यह भव्य और सार्थक कार्यक्रम होगा, जिसमें सभी संबद्ध महाविद्यालयों के शिक्षक और प्रचार शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि कुल 65 छात्र छात्राओं को इस दीक्षांत समारोह में सम्मानित किया जाएगा। संवाददाता अमित खरवार की खास रिपोर्ट। नवस्थापित विश्वविद्यालय है, जो सत्र 2021-22 से ही शुरू हुआ है। 1 जनवरी 2022 को मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया था, और वो भी क्योंकि नया विश्वविद्यालय था तो यहाँ पर ना तो कोई भवन था, ना कुछ था, कार्यालय भी नहीं था। तो मैंने पूर्वांचल विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस में मैंने ज्वाइन किया था और 1.5 महीना मैंने वहीं से आवागमन किया था। फिर यहाँ पर DAV कॉलेज में हमने कार्यालय अपना स्थापित किया और फिर यहाँ से हमने काम शुरू किया। और जौनपुर विश्वविद्यालय से जो भी संबंधित अभिलेख और पत्रावलियाँ थी वो हमने मंगवाई और हमने बड़ी मेहनत से और निष्ठा से काम किया। वो सीमित संसाधनों में एक केवल कुल सचिव थे उस समय मेरे पास, और एक जौनपुर विश्वविद्यालय से केवल एक सहायक कुल सचिव आंशिक रूप से संबद्ध थे और वित्त अधिकारी भी अतिरिक्त कार्यभार में थे। तो 6-7 कर्मचारियों को लेकर के मैंने ये शुरू किया था। और आप लोगों को ये गर्व होगा कि आपके क्षेत्र में ये जो नव स्थापित विश्वविद्यालय है, इसका निर्माण कार्य 21 मार्च 2022 से शुरू हुआ था और जनवरी 2024 में मात्र 1 साल 10 माह में ये बनके तैयार हो गया। साथ साथ हम अपने 450 महाविद्यालयों की परीक्षाएं और प्रवेश प्रक्रिया, संबद्धता की प्रक्रिया, ये भी संबंधित हम करते रहे। और आज हम इतनी अल्प अवधि में हमने लगातार यहाँ पर निर्माण कार्य का भी मैं निरीक्षण करता रहा, लगातार पाक्षिक समीक्षा बैठकें मैं करता रहा और शासन को भी अवगत कराता रहा प्रगति के संबंध में और जिला प्रशासन को भी। तो उससे मुझे शासन से भी काफ़ी सहयोग प्राप्त हुआ और जिला प्रशासन से भी काफ़ी सहयोग प्राप्त हुआ। उधर अपने महाविद्यालयों के शिक्षक और प्राचार्यों से भी सहयोग लिया गया काफ़ी। तो परिणाम ये हुआ कि 1 वर्ष 10 माह में हमारा विश्वविद्यालय बनकर के तैयार हो गया और आज हम अपने नवनिर्मित विश्वविद्यालय में अपने भवनों में आ गए हैं। और ये देखिए, बड़े शुभ अवसर है कि इस बार हम विश्वविद्यालय का सर्वप्रथम दीक्षांत समारोह आयोजित कर रहे हैं। इस सत्र में 2022-23 क्योंकि पहली बार दीक्षांत समारोह हो रहा है, तो इसमें हमने 2022-23 के छात्रों को और 2023-24 के छात्रों की डिग्रियां प्रदान करने का माननीय महोदया से, राज्यपाल महोदया से हमने अनुमति ली थी। तो दोनों सत्रों की डिग्रियां छात्रों को प्रदान की जानी है। इसमें हमने जो छात्र जिन्होंने टॉप किया है अपने अपने पाठ्यक्रमों में,
जैसे किसी ने बीए में टॉप किया है, किसी ने बीएससी में टॉप किया है, किसी ने बीकॉम में टॉप किया है, इसी तरीके से जिस भी क्लास ने जिसमें जिसने 450 महाविद्यालयों में मिलाकर के टॉप किया है उसको कुलपति मेडल प्रदान किया जाएगा। और ऐसे छात्र जिन्होंने पूरे संकाय को मिलाकर के उन समस्त पाठ्यक्रमों में टॉप किया है उनको कुलाधिपति मेडल प्रदान किया जाएगा। तो इस प्रकार दोनों वर्षों में मिलाकर के हमारे 83 मेडल वहां पर प्रदान किए जाएंगे छात्रों को। और उन 83 मेडल में 18 मेडल ऐसे हैं, 18 छात्र ऐसे हैं जिनको दो दो मेडल मिलेंगे, कुलाधिपति मेडल भी मिलेगा उनको संकाय में टॉप करने का, और उनको अपने विषय अपने पाठ्यक्रम में टॉप करने का कुलपति मेडल भी मिलेगा। इससे छात्रों को निश्चित रूप से प्रेरणा मिलेगी, यहाँ के जो संबद्ध महाविद्यालयों के शिक्षक हैं उनको भी निश्चित रूप से प्रेरणा मिलेगी। और कुलाधिपति मैडम इस संबंध में विश्वविद्यालयों में अनुशासन, विश्वविद्यालयों में शैक्षिक उन्नयन, विश्वविद्यालयों की रैंकिंग सुधार के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से बड़े गहन इंटरेस्ट लेकर के वो काम करती हैं। तो उनके यहाँ आने से मैं समझता हूँ कि छात्र छात्राओं को तो प्रेरणा मिलेगी ही, यहाँ हमारे अधिकारियों को हमारे शिक्षकों को भी प्रेरणा मिलेगी। तो ये एक भव्य कार्यक्रम होगा, सुंदर कार्यक्रम होगा, आप सभी का उसमें सहयोग होगा। हमारे सारे महाविद्यालयों के शिक्षक साथी प्राचार्यगण समितियों में लगे हुए हैं और मैं समझता हूँ कि कार्यक्रम ठीक से संभव होगा। सर, आजमगढ़ और मऊ के कितने महाविद्यालय हैं और कितने छात्र छात्राएं हैं जिनको सम्मानित किया है? एक टोटल मिलाकर के 65 छात्र छात्राएं हैं जिनको सम्मानित किया जाएगा स्टेज पर, माननीय कुलाधिपति महोदय उनको सम्मानित करेंगे। समारोह के संबंध में मैं आपको ये भी अवगत करा दूं कि माननीय राज्यपाल महोदय हमारे विश्वविद्यालय की कुलाधिपति भी हैं, वो कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगी। और इस प्रथम दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पंजाब विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय बठिंडा के जो माननीय कुलपति हैं वो एक शिक्षाविद हैं, वो मुख्य अतिथि के रूप में होंगे इस कार्यक्रम में और कन्वोकेशन एड्रेस भी वो डिलीवर करेंगे। इसके साथ साथ हमारे इस कार्यक्रम में अति विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री माननीय श्री योगेंद्र उपाध्याय जी और विशिष्ट अतिथि के रूप में उच्च शिक्षा राज्य मंत्री माननीय श्रीमती रजनी तिवारी भी उपस्थित होंगी, उनका भी अपना प्रेरणा भाषण छात्रों के लिए होगा। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।